अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी देर से फोन बज रहा है, कहां सब के सब? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हेलो साहब, यहाँ हालत बेकाबू होती जा रही है। किधर हो तुम लोग? अस्पताल में साहब, अस्पताल में। बड़ी बुरी हालत में, भीड़ की भीड़ अस्पताल चली आ रही है। कई लोग दम तोड़ रहे हैं यहाँ। जल्दी आइए साहब। हर तरफ मौत की तबाही का मंजर, हर ओर लाशों के ढेर, जहां तक नजर जाती सिर्फ मौत ही मौत। उम्र की हदों को लांघता मौत का यह काफिला सबको अपनी जद में ले रहा था। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, मौत की इस तबाही ने किसी को भी नहीं बख्शा। हैरानी की बात तो यह थी कि मौत की यह तबाही ना तो किसी बड़े विस्फोट का नतीजा थी, ना ही किसी हत्याकांड का। तो फिर दबे पांव कैसे आई मौत की यह तबाही, जिसने तकरीबन 20,000 लोगों की जान निकल ली? आज सावधान इंडिया में टटोलेंगे उसी महाविनाश की कहानी, जो है तो दशकों पुरानी, लेकिन उसके निशान आज तक बाकी। बस हमारी बच्ची अच्छे से। जल्दी से हमारी बच्ची को अच्छा कर दो। कैसा है मेरा बच्चा डॉक्टर? डॉक्टर बताओ कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, बोलते क्यों नहीं? कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, बोलते क्यों नहीं? जी जी, कहने को तो ये मेरा चौथा बच्चा है। दो बच्चे मरे हुए पैदा हुए, तीसरा बच्चा पैदा होने के एक हफ्ते के अंदर ही मर गया। डॉक्टरों ने कहा कि पैदा होने से पहले उसके पेट में कुछ बीमारी थी। ये मेरा चौथा बच्चा है जी जी। ऊपर वाले ने जान तो दे दी, पर बिना हाथ पैर के कैसी जिंदगी जिएगा ये? कैसी जिंदगी होगी इसकी जी जी? माँ होके अपने ही बच्चे को ऐसी तकलीफ वाली जिंदगी नहीं देख सकती, नहीं
नहीं देख सकती मैं। मार दे इसे। कैसी बात कह रही हो अम्मा? खरी बात कह रही हूँ। इसी तकलीफ भरी जिंदगी जिए, इससे तो अच्छा है जी कड़ा कर ले, मार दे इसे। ये क्या कह रही हैं आप? पाप होगा भगवान की नजर में और कानून के हिसाब से भी। पिछले 25 सालों से सब गलत ही हो रहा है हमारे साथ। हम सबकी जिंदगी के साथ इतना घोर पाप हो रहा है, ये तुम्हारा भगवान और कानून नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, अंधा बना बैठा है। हमारी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर दिया है। पिछले 25 सालों में न जाने कितनी बार ऐसे बच्चों से मिले, कितनी माओं की ये तकलीफ देखी, कितनी औरतों से अपने बच्चों को पैदा करते ही मार देने की बात सुन चुकी हूँ, और न जाने कितनी बार ये देखना सुनना और सहना होगा। अब तो आंसू भी नहीं बचे आंखों में, इतना रो चुकी हूँ। अनगिनत तकलीफ में डूबी हजारों सच्ची दास्तान, जिंदा लोगों की इतनी तकलीफ देख ली है कि अब मौत की खबर तकलीफ नहीं देती। पिछले 25 सालों से मैं इस शहर के लोगों की दुर्दशा लिख रही हूँ। हर नाम, हर दर्द, हर तबाही का जिक्र बता चुकी हूँ, लेकिन नहीं, उन लोगों को और जानकारी चाहिए। सड़कों पे लाशें बिछ गई थी, लेकिन उन लोगों को इस कत्ले आम का सबूत चाहिए। और क्या सबूत दूं? लता उन किस्मत वाले लोगों में से थी जो इस भयानक त्रासदी से जीवित बच निकले थे। उसने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था जब फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने के बाद पूरा शहर लाशों से पट गया था, और जो जिंदा बचे वो भी इस गैस के जहर के कारण कई बीमारियों के शिकार हो गए। लता भी इन्हीं हजारों पीड़ितों में से एक थी, और इन पीड़ितों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वकील भी। जज साहब, अब मैं अपने अगली गवाह रिटायर्ड पुलिस उप अधीक्षक जनाब तंजीम अली को बुलाना चाहूंगी। उस दिन वो अपने ड्यूटी में थे और उन्होंने ये घिनौना मंजर अपने आंखों से देखा है। इजाजत है? जनाब तंजीम अली, उस दिन आपने जो कुछ भी देखा वो हर एक बात आप अदालत में बताइए। जनाब, मैंने उस दिन जो कुछ भी देखा उसकी रिपोर्ट अदालत में बहुत पहले ही पेश कर चुका। जी हाँ, मैंने आपकी रिपोर्ट पूरी पढ़ ली है, जिसमें आपने लिखा है कि जब आप पुलिस स्टेशन से अस्पताल के लिए निकले तो आपने रास्ते में हर जगह लाशें ही लाशें देखी। जनाब, वो मंजर मुझे आज भी सोने नहीं देता। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इंसानों के नहीं मुर्दों की बस्ती में आ गया। 8 किलोमीटर के दायरे में शायद गैस का असर सबसे ज्यादा था। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। घरों में, सड़कों पर, मंदिरों में, जिधर देखो उधर लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो हर जगह से बूढ़े, जवान, औरत, बच्चा, सबों की चीख चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जनाब, मुझे लगा कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं। मैं गलत था जनाब, वो हकीकत, जिंदा इंसान मेरे सामने मुर्दा हो रहा था, और मेरे साथ थी उस जहरीली गैस की दुर्गंध। डीएसपी साहब, हवा में कुछ गंद आ रही है जिसकी वजह से सारी लाशें बिछ रही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा दम घुट रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
जीएसपी साहब, ये गंध कहां से आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या इलाज करूं? मुझे पता नहीं चल रहा है। हर मिनट लोग मरते जा रहे हैं। दो वार्ड बॉय भी मर चुके हैं। ये गंध केमिकल फेंक दीजिए। आई ऑब्जेक्ट सर। एक आदमी ने ऐसे ही कह दिया कि फैक्ट्री से गैस लीक हो रही। अब हुजूर, हम सब तो जानते हैं कि ऐसे माहौल में 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं। उन सब की बातों को सच तो नहीं माना जा सकता ना? 10 नहीं, हजारों लोग मारे गए और वो आदमी उन मरे हुए से एक था जिसने फैक्ट्री से गैस लीक होने की खबर दी थी। ये सुनाई बातें नहीं मैडम, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो अदालत के सामने पेश कीजिए। जनाब, सबूत जुटाने में उस दिन अपने घर से बाहर निकला। शहर के आसमान में गीद और चिल मंडरा रहे थे, जिधर देखो उधर लाशें ही लाशें थी। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था। कुछ परिवारों में कोई बचा ही नहीं था जो अपनों का दाह संस्कार कर सके। उन लाशों के बीच में से चलते चलते मैं फैक्ट्री पहुंचा। उस तरफ लीक हुई थी साहब। यहां कपड़ा क्यों बना हुआ है? मैनेजमेंट को कितनी बार बोला था कि गैस लीक हो रही है, ठीक करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए इसको, लेकिन साहब किसी ने नहीं सुना। बेचारे मजदूरों ने कपड़ा बांध दिया, लेकिन इस कपड़े से तो पानी भी नहीं रुकता साहब। तो फिर आपने घटना के जिम्मेदार लोगों को उसी टाइम क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मैंने गिरफ्तार किया था जनाब। मुझे फैक्ट्री के मजदूरों से पता चला कि उस फैक्ट्री का मालिक मिस्टर रिचर्ड पीटरसन शहर के किसी बड़े होटल में ठहरा हुआ है। मैं वहां गया और वहां जाकर मैंने उसे अरेस्ट किया। Excuse me. Yes. Mr. Richard Peterson, किस रूम में ठहरे हुए? रूम नंबर 402 में। थैंक यू सो मच। मिस्टर रिचर्ड पीटरसन, इस शहर के हजारों लोगों को अपने फैक्ट्री के जहरीली गैस से मारने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। Hey, who are you? तुझे बताता हूँ। Who am I? चल। Leave me. चल। Who permitted you to come inside? Permitted me? I'll let you know. Leave me. चल। Leave me. फैक्ट्री के मालिक मिस्टर रिचर्ड पीटरसन से जैसे ही मैंने पूछताछ शुरू की, मुझे एक फोन आया और उसे पुलिस गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया। आपको किसका फोन आया था? मेरे सीनियर्स का फोन आया। मुझे बताया गया कि गैस हादसे की वजह से शहर में लोग रिचर्ड पीटरसन से काफी नाराज हैं और उसके जान को खतरा है, इसलिए उसे किसी महफूज जगह में शिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैं उससे और कोई पूछताछ नहीं कर सका क्योंकि वो मेरे चार्ज में नहीं था। जनाब तंजीम अली, उसे गेस्ट हाउस में इसलिए शिफ्ट किया गया ताकि आप उससे कोई पूछताछ ही ना कर पाए। जज साहब, रिचर्ड पीटरसन को गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट ले जाया गया, उसके बाद उसे देश से बाहर भेजा गया। उसके देश से बाहर जाने की न्यूज मैंने भी सुनी थी, लेकिन मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। लेकिन ये सब बातें सच थी? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। सबूत नहीं? फैक्ट्री के जांच में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उनसे साफ पता चलता है कि फैक्ट्री में ना कोई रेगुलर चेकिंग चलती थी और ना ही कोई रिपेयरिंग का काम। सोचिए,
जिस फैक्ट्री में सबसे जहरीली गैस थी वही लापरवाही बरती गई। क्यों? सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए। इस गैस कांड के बाद पूरे विश्व में ये मान लिया गया कि हिंदुस्तानी जानों की कोई कीमत ही नहीं है। गैस लीक होने के बाद इंसानी जानों का जो हर्ष हुआ है उसे देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। ये तो सिर्फ चंद तस्वीरें हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 20,000 से ज्यादा लोग जहरीली गैस से मारे गए और 5,70,000 लोग किसी न किसी शारीरिक क्षति का शिकार हो गए, और दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक तबाही मानी गई है इसे। इस तबाही के बारे में क्या आप विस्तार पूर्वक बता सकती हैं? जिन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ उनके मृत्यु का कारण रिपोर्ट में लिखा है, और दूसरे लोग उनको इतने सारे बीमारियों ने जकड़ लिया, जैसे कि दमे का रोग, लंग कैंसर, किडनी खराब होना, बार बार छाती में दर्द होना, और महिलाओं के साथ तो और भी बुरा हुआ है। जहरीले गैस ने तो उनकी कोख को उजाड़ कर रख दिया, जिस जहर ने ना ही इंसान को मारा बल्कि उसके पूरे आने वाली नस्ल को मिटा कर रख दी। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई तो होगा, क्या वो सरकार या मिस्टर पीटरसन, या वो लोग जिन्होंने रख रखाव में लापरवाही बरती? मैं कहती हूं सबके सब दोषी, उन लाखों बीमार लोगों के कसूरवार है सबके सब। इनके लिए एक फांस की सजा भी कम है जत्था, कम है। मैम, जज साहब ने क्या फैसला दिया? देखो, न्याय देर से मिला है। मुख्य आरोपी रिचर्ड पीटरसन को अदालत ने आज गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पिछले 25 साल से लता वर्मा गैस कांड के पीड़ित लोगों के न्याय दिलाने और उसके आरोपी को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आज उनकी इस लड़ाई को बड़ी जीत तब मिली जब न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी रिचर्ड पीटरसन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिचर्ड पीटरसन को गिरफ्तार करके भारत लेकर के आए, ताकि उस पर हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से उस पर मुकदमा चलाया जा सके। आज डॉक्टर से मिलने जाना था ना? अदालत के फैसले से खुश नहीं है? इस फैसले से तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। अपनी सेहत का ख्याल रखोगी तभी ये लड़ाई अच्छे से लड़ पाओगी। ठीक है, कल का टाइम ले लूंगी डॉक्टर से। कल नहीं, आज। लता, पूरे शहर को न्याय दिलाने के लिए तुम लड़ रही हो, लेकिन खुद की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। इसी लापरवाही के कारण तुम्हारी ये हालत खराब हुई है। तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगी तो इस शहर को न्याय कहां से दिलवा पाओगी? मैम, क्या बात है डॉक्टर, बता दीजिए। गैस के कांड के बाद
लोगों को इतने बुरे हालत में देखा मैंने, अब मुझे कोई भी बात से डर नहीं लगता। प्लीज बताइए। लता, मैंने बहुत कोशिश की पर क्या डॉक्टर? मेरे लिए किडनी नहीं मिली ना। पिछले 20 सालों से लता क्यों में है? समझने की कोशिश करो राजेश, मेरे साथ 40,000 और लोग हैं जिन्हें किडनी का इंतजार है। सॉरी राजेश जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर, जब तक इस शहर के लोगों को और गैस से पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल जाता ना, तब तक मुझे कोई भी बीमारी मार नहीं सकती। आज तो खुशी का दिन है, उस हत्यारे रिचर्ड पीटरसन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है अदालत ने आज। देखना, बहुत जल्द उसे सजा होगी। Mr. Peterson, so now the Indian courts have passed an order of your arrest. My country, my law. Indian lawyer Lata Verma has said you are murderer. You killed thousands of innocent people. Get lost. परी ने राजा से कहा, उस शैतान को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। मैं एक ऐसा दुनिया बनाऊंगी जहां पे सब खुशी हो, कोई भी दुखी ना हो। अच्छा लगा? उसे अभी भी भारत वापस नहीं ला रहे हैं। कौन? रिचर्ड पीटरसन को? हाँ उसे, वह वहां का में अभी भी आजाद घूम रहा है। कानून के अपने दायरे होते हैं। प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी दो देशों के बीच एक दूसरे के मुलजिमों और मुजरिमों के आदान प्रदान का समझौता है। एड्रियन पीटरसन एक विदेशी नागरिक था और उसके मूल देश के साथ भारत की कोई भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, लिहाजा उसे गिरफ्तार करके भारतीय अदालत में पेश नहीं किया जा सकता था। पूरा देश उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका और देश को हताशा का सामना करना पड़ा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप? मुंशी एंड मुंशी लॉ फर्म? जी, पिछले 40 सालों से हमारी लॉ फर्म देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म। आप मुंशी सिंह पटेल? जी। देखिए, मैं चाहता हूं कि अब आप आराम करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। यहाँ से गैस ट्रेजेडी का केस हमारी कंपनी संभाल लेगी। यहाँ से? इतने सालों बाद क्यों? देखिए, आपकी तरह ये केस भी कमजोर होता जा रहा है, दोनों को इलाज की जरूरत है। आप ऐसा करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, इस केस को हम मजबूती से खड़ा कर देंगे। बहुत चिंता है आपको मेरी और इस केस की? जी हाँ, इनफैक्ट मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बात भी कर ली है। आप ऐसा करिए, इस केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मेरी असिस्टेंट को दे दीजिए, अगली तारीख मिलने से पहले हम लोग केस की तैयारी कर लेंगे। सर, आपको शायद याद नहीं, लेकिन गैस कांड के बाद मैं आपके पास इस केस को लेकर आई थी, तब आपने इस केस को लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। सॉरी, मेरे पास इतने ऑफर्स आते हैं कि सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो अब आपको इस केस के बारे में कैसे याद आ गया? देखिए, ये केस अब सिर्फ इस शहर या सिर्फ इस देश का नहीं रह गया, पूरे वर्ल्ड की निगाहें इस पर। ये केस आप नहीं संभाल पाएंगे, ये केस आप हमें दे दीजिए, हम इसको जो है। ये केस आपको अब इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जब लाखों लाशें सड़कों पर बिछी हुई थी, जब लोग बीमारी से अस्पताल में मर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, तब आपको ये केस बड़ा नहीं लगा मिस्टर मुंशी? अगर आपको ये केस तब बड़ा लगता ना, तो हजारों लाखों लोगों की जान बच सकती थी, उनको दवाई मिल सकती थी टाइम पे। औरतों की कोख से मरे हुए बच्चे पैदा नहीं होते।
देखिए मैडम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस केस के लिए आपको हटा के मुझे अपना वकील चुना, ठीक है? मैडम, इस केस से जुड़ी सारी डिटेल्स आप मुझे दे दीजिए। सारे पेपर्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी जानती हूँ आप लिख लीजिए। करीब 500 लोग टीबी के मरीज हैं। सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है मैं आपको बताती जाती हूँ। आप लिखिए। 600 लोग से ज्यादा अंधे हो चुके, 7,055 लोग लंग कैंसर की बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए, 4,000 से ज्यादा लोगों की किडनी खराब हो चुकी है, अस्पताल में मर चुके हैं, और शायद अगला नंबर मेरा, क्योंकि इस जहरीले गैस के कारण मेरी भी किडनी खराब हो गई। आपने लिखना शुरू नहीं किया? पेन और पेपर निकाली, लिखना शुरू कीजिए ना। सर, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जरूरत तो पड़ेगी। 28 सालों से ये जानकारी मैं अपने सीने में दबाकर चल रही हूँ। 28 दिन तो बहुत ही कम पड़ जाएंगे। अब सब लोग मेरे साथ आए, आइए। इसे देख रहे हैं आप, इसकी हालत देखिए। वो जहरीली गैस के कारण जिसकी ये दुर्दशा हुई है, इन सबको देखिए। देख रहे हैं आप, लिखिए नाम, उम्र, पता, सब कुछ लिखिए, लिखिए। इस बच्चे को देखिए, देख रहे हैं क्या दुर्दशा है इसकी। 28 साल बाद भी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, क्या कसूर है इसका? बेचारा मासूम, कितने दुखी है ये लोग आज भी। ये सब उस जहरीले गैस के कारण हुआ है। हम लोग हर केस दिमाग से लड़ते हैं, लेकिन ये केस को दिल से लड़ रही है। इस केस के लिए इससे अच्छा वकील और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। अगर मैं अपनी गाड़ी की रखरखाव ठीक से नहीं कर सकती हूँ और मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, रोड पर उसकी वजह से किसी आदमी की मौत हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सीडेंट? सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, उसे मेरी लापरवाही कहेंगे। उसकी मौत के जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी। यहां तो एक दिन में 20,000 लोगों की मौत हुई, उन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस फैक्ट्री के मालिक रिचर्ड पीटरसन को उन मौतों की जिम्मेदारी लेनी होगी, और उसके साथ फैक्ट्री से जुड़े मैनेजमेंट के सारे लोग जिम्मेदारी लें। हम विदेशी सरकार पर ठीक से दबाव बनाने में नाकाम रहे, लिहाजा एड्रियन पीटरसन को गिरफ्तार करके भारत नहीं लाया जा सका। लेकिन लता हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने लिए नहीं, हजारों लाखों पीड़ितों के लिए इंसाफ चाहती थी, लिहाजा उसने अपनी जंग जारी रखी। और उसे एक बड़ी सफलता तब मिली जब अदालत ने केमिकल फैक्ट्री से जुड़े उन सभी भारतीय सहयोगियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जो कहीं ना कहीं इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। जज साहब, इस गैस ट्रेजेडी के लिए मुझे क्यों अरेस्ट किया गया? जब ये गैस ट्रेजेडी हुई उस समय तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था, और सिर्फ 5 साल पहले ही मैंने इस फैक्ट्री को ज्वाइन किया है। जी साहब, मैं गैस ट्रेजेडी के समय भी इस फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री के रखरखाव और सुरक्षा का जिम्मा मेरे पास नहीं था, फिर मुझे क्यों पकड़ा गया? जज साहब, एक मिनट, मैं कोर्ट की कार्रवाई को बीच में रोकने की परमिशन चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? जज साहब, इस गैस ट्रेजेडी के कारण जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, ऐसे लग रहा है कि कोई मजाक चल रहा है। हम सब के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। अरेस्ट किए गए कुछ लोगों के बयान तो आप सुन ही चुके हैं, और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें से एक आदमी तो 3 साल पहले ही मर चुका है। 2 सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री के टेक्निकलिटी से उनका कोई वास्ता नहीं। नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है। अदालत के आदेश के बाद हमने पुलिस को नामों की जो लिस्ट सौंपी थी वो एकदम सही थी। जो लोग उस वक्त फैक्ट्री में सुरक्षा के कामों से जुड़े हुए थे उनके ही नामों की लिस्ट दी गई है।
गैस ट्रेजेडी के वक्त जो शख्स स्कूल में पढ़ रहा था उसका नाम दिया आपने। अदालत की कार्रवाई को पूरा करने के लिए ये एक दिखावा किया जा रहा है, असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है। मिलोर लता जी, इस केस में सही न्याय हो, असली मुजरिम पकड़े जाएं, इस बात के लिए आप अपना कोई निजी सुझाव अदालत के सामने रखना चाहती हैं? जज साहब, न्याय के लिए सुझाव नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत। फैक्ट्री की तरफ से लड़ने वाले वकील साहब के पास इच्छा शक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उनके परिवार से कोई भी नहीं मारा गया। मेरे परिवार के 20,000 लोग मारे गए। लता जी, एक मशविरा देता हूं आपको, एकदम मुफ्त। आप ज्यादा भावुक होने के बजाय इस केस में कोई आम राय बनाने का सुझाव अगर अदालत को पेश करें तो बेहतर हो। आपको पता है, उस भयानक रात के बाद लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर बिछी हुई थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी नहीं थी। 4-6 लोगों के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उनका अंतिम संस्कार किया गया। क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? जो लोग अपंग हो चुके, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? जिन औरतों की कोख उजड़ गई, बच्चे अपंग पैदा हुए, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? जो मर गए, उन्हें हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गैस कांड की वजह से जो जीते जी मर रहे हैं, क्या उन्हें एक स्वस्थ जिंदगी नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कब मिलेगी उन्हें ये स्वस्थ जिंदगी? क्या कसूर है उनका जो ये सब वो भुगत रहे हैं? केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले वो लोग गैस लीक के बारे में शिकायत करते रहे और मर गए, उनकी क्या गलती? फैक्ट्री के पास रहने वाले परिवारों के परिवार मर गए, उनकी क्या गलती? दुनिया से बेफिक्र मासूम बच्चे जो पार्क में खेल रहे थे उस जहरीली गैस के चपेट में आ गए, उनकी क्या गलती थी? और वो आज ये पूछते हैं इसमें हमारी क्या गलती थी? और गलती थी तो किसकी? जो कसूरवार है, क्या उन्हें कभी सजा मिलेगी? इस एक दिन की तबाही को 28 साल हो गए, कब मिलेगा न्याय? ये देश एक लोकतांत्रिक देश, हर इंसान को अधिकार है एक स्वस्थ जीवन और न्याय का, कब मिलेगा? अब तो लोगों के आंसू भी सूख चुके हैं, उनकी तकलीफें मिटी नहीं, खामोश हो गई है। उनके खून में जो जहर मिल गया था उसे भी पी लिया गया। 3 दशक तक चले इस मुकदमे के बाद अदालत ने केमिकल फैक्ट्री के मैनेजमेंट को ये आदेश दिया कि वो गैस लीक होने के कारण हुए जान और माल की नुकसान की भरपाई और गैस से पीड़ित सभी लोगों की इलाज और पुनर्वास के लिए 3,000 करोड़ का मुआवजा दे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो न्याय देर से मिलता है उसे न्याय नहीं अन्याय कहा जाता है। गैस कांड पीड़ितों को न्याय मिलने में लगभग 3 दशक लग गए, फिर भी आज इंसाफ पाकर उनकी दर्द भरी आंखों को कुछ सुकून तो मिला। इंसाफ की इस लड़ाई में लता जी अकेली नहीं थी, उन जैसे कई और लोग इस जंग में शामिल थे और आज उन सबके लिए ये जीत का पल था। गैस त्रासदी के भयावह परिणाम के बाद वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय ने 1996 में द केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स 1996 का निर्माण किया, जिसके तहत ऐसी भयावह स्थिति से बचने के लिए 4 स्तरों पर क्राइसिस ग्रुप्स के निर्माण की बात की गई। सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप, स्टेट क्राइसिस ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप और लोकल क्राइसिस ग्रुप। साथ ही केमिकल फैक्ट्रीज के लिए भी ये नियम बनाए गए कि उन्हें खतरनाक केमिकल्स रखने के लिए अलग से स्टोरेज बनाने होंगे। खतरनाक केमिकल्स को लाने ले जाने वाले वाहनों और पाइपलाइंस की सुरक्षा और रखरखाव पर खास ध्यान देना होगा। उन्हें जितनी मात्रा में ये केमिकल्स रखने की अनुमति दी गई है उससे अधिक मात्रा में खतरनाक केमिकल्स ना रखे जाएं।
साथ ही लोकल क्राइसिस ग्रुप को हर 6 महीनों में इन फैक्ट्रीज में एक मॉक ड्रिल करनी होगी और उसकी रिपोर्ट डीसीजी यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप को देनी होगी। केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वाले सभी वर्कर्स से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपकी फैक्ट्रीज में इन सुरक्षा संबंधी नियमों की अवहेलना की जा रही है, आप फौरन मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करें। मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहें, या फिर आप अपनी शिकायत सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को भेज सकते हैं। और फैक्ट्री मालिकों से भी मेरी विनती है, अपनी फैक्ट्रीज की सुरक्षा का ख्याल रखें। थोड़े से पैसे बचाने के लिए इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज के आसपास रहने वाले लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, आपको इन केमिकल फैक्ट्रीज के बारे में हर एक बात जानने का पूरा अधिकार है। फैक्ट्रीज की सुरक्षा को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उस फैक्ट्री के लोकल क्राइसिस ग्रुप से जवाब मांग सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमारी है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के अनुसार इस दुनिया की सबसे बड़ी गैस त्रासदी ने लगभग 20,000 लोगों की जान ली। ये महात्रासदी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसे याद रखें और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। 3 दशक बाद लता के इंसाफ का इंतजार पूरा हुआ तो आज उसे मिलने वाली किडनी का इंतजार भी खत्म हुआ। एक नई किडनी मिलने के बाद लता अपनी जीत को जी सकेगी। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी ही एक और बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।